सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, चलो आज फिर से आप सबके लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेके आ चुका हूँ। फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड गुड न्यूज़ लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और सब कुछ देखना, इसमें क्या क्या होने वाला है और मतलब क्या कब आने वाला है, फ्री फायर इंडिया कब आने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के मैं। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो भी भाई अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, देखा मतलब देख लिया है, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई, क्या है इस वीडियो में। तो चलो गाइस, इस वीडियो में यह है भाई, हमारे फ्री फायर कम्युनिटी का सबसे मतलब बहुत ही बड़े यूट्यूबर भाई, बहुत बड़े यूट्यूबर, उनको बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन भी मान कर रखा है, जिनका नाम है बेंजाद गेमिंग, ठीक है ना भाई। वो बेंजाद गेमिंग भाई ने बताया है कि फ्री फायर इंडिया कब आने वाला है, ठीक है ना, और पूरा का पूरा मतलब भाई डिटेल्स में बताया है। तो चलो बताते हैं कि फ्री फायर इंडिया के रिलेटेड क्या बताया बेंजाद भाई ने। तो चलो उनके वीडियो पर देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, आ गए उनके वीडियो पे। तो देखो क्या बोले बेंजाद भाई ने इस फ्री फायर इंडिया के लिए, चलो। Hey, welcome back to the channel, man. I hope you guys are doing absolutely fine. Free Fire India आने वाला था 5 सितंबर को, लेकिन अभी तक ना एक महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन गेम अभी भी नहीं आया। लेकिन जो चीज आ रही है ना, वो है फेक न्यूज, फेक डेट्स, जो कि यूट्यूबर लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर। ये बात तो सही है भाई, फेक न्यूज़, फेक डेट्स वगैरह बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग बता रहे हैं, बट देखो बेंजाद भाई ने क्या बताया इसके बारे में। लोग हर जगह कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि फ्री फायर इंडिया इस दिन को आने वाला है, फ्री फायर इंडिया के साथ ये हो चुका है, फ्री फायर इंडिया बैन हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसी चीज के लिए आज मैंने पहली बार अपनी वी बैच की शक्तियों का इस्तेमाल किया और सीधा गरीना को कॉल किया, और वहां से जो चीज मेरे को पता चली ना फ्री फायर इंडिया को लेकर, वो सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। जैसा कि आप लोग जानते हो, फ्री फायर इंडिया आने वाला था 5 सितंबर को, लेकिन फ्री फायर ने 4 सितंबर की रात को ही अनाउंस कर दिया कि सर्वर के लोड की वजह से वो लोग फ्री फायर इंडिया को 5 सितंबर को लॉन्च नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग को लगा सर्वर की छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, एक दो हफ्ते लग जाएंगे, उसके बाद गेम वापस आ जाएगा, लेकिन अभी ना एक महीना मतलब 5 हफ्तों से भी ज्यादा टाइम हो चुका है और गेम का कोई नाम निशान नहीं है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए सारे यूट्यूबर्स अभी भी हजारों वीडियोस बना चुके हैं कि फ्री फायर इंडिया इस दिन को आएगा, फ्री फायर इंडिया बैन हो चुका है, और भी बहुत सारी चीजें। अब सीधी सी बात है, एक महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है और लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि शायद से गेम बैन हो चुका है। मेरे को भी ऐसा लगा शायद गवर्नमेंट ने फिर से फ्री फायर इंडिया को बैन कर दिया, और इसी चीज के लिए मैंने डायरेक्टली फ्री फायर इंडिया को कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, हम लोग को बताओ कि क्या चल रहा है अंदर, क्या गवर्नमेंट ने गेम को बैन किया, हुआ क्या एक्चुअली। तो उन्होंने बोला फ्री फायर इंडिया का लॉन्च गवर्नमेंट की वजह से नहीं रुका है। तो ये सुनकर ना मेरे को जान में जान आई, मैंने कहा तो आखिर क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला जब 5 सितंबर को फ्री फायर इंडिया लॉन्च होने वाला था ना, तो वो लोग कुछ दिन से टेस्ट कर रहे थे फ्री फायर इंडिया एप्लीकेशन को, बहुत सारे डिवाइसेस में, छोटे डिवाइसेस में, बड़े डिवाइसेस में, और उनको एक चीज पता चली थी कि फ्री फायर इंडिया लो एंड डिवाइसेस में लैग कर रहा है, और ये चीज उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी, क्योंकि फ्री फायर ये जानता है कि इंडिया में अभी भी 60% से भी ज्यादा ऑडियंस जो है वो लोग लो एंड डिवाइसेस में खेलते, और इसीलिए फ्री फायर को लॉन्च डेट 5 सितंबर के दिन रोकना पड़ा, क्योंकि अगर फ्री फायर लॉन्च करता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, बहुत सारे डिवाइसेस में गेम लैग होता और ये चीज आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत होती। तो गाइस आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि फ्री फायर इंडिया जब आएगा ना, वो बहुत सारे डिवाइसेस में अच्छे से चलेगा। जो प्लेयर्स बोलते थे ना कि उनके डिवाइस में फ्री फायर मैक्स अच्छे से नहीं चलता है, गाइस फ्री फायर इंडिया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। फ्री फायर इंडिया आप सबके डिवाइसेस में बहुत स्मूथली चलने वाला है, और लो से लो एंड डिवाइसेस में भी फ्री फायर इंडिया अच्छे से काम करने वाला है। तो इस चीज के लिए फ्री फायर के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इस बार फ्री फायर इंडिया सारे प्लेयर्स का सोच रहा है, और अब इस बात का मतलब तो यही है ना कि गवर्नमेंट की वजह से फ्री फायर का लॉन्च नहीं रुका था। तो जो भी यूट्यूबर्स बोल रहे थे ना कि फ्री फायर इंडिया बैन हो चुका है गवर्नमेंट की वजह से,
बाबा जी का ठुल्लू गेम आ रहा है और कब आ रहा है, मैंने सोचा ये भी पूछ लेता हूँ। तो मैंने फ्री फायर को बोला, अब इतना कुछ बता दिया, अब ये भी बता दो लॉन्च डेट कब है। तो उन्होंने बोला लॉन्च का डेट अभी तक कोई भी फिक्स नहीं किया गया है। तो मैंने कहा कुछ तो बोलो, तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बोला। जो चीज उन्होंने बोली ना, वो यही बोली कि जब फ्री फायर इंडिया आने वाला होगा ना, उससे 5-6 दिन पहले तुम सब, मतलब हम सब यूट्यूबर्स को पता चल जाएगा, तो हम लोग आप सबको पहले ही बता देंगे। वैसे ही जैसे पहले 5 सितंबर का अनाउंसमेंट हुआ था ना, वैसे एक वीडियो आएगा। तो ये मत सोचना कि सरप्राइज तरीके से गेम अचानक प्ले स्टोर में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जो यूट्यूबर्स आपको बराबर डेट बोल रहे ना, इस दिन को आने वाला है, अभी तक कोई भी डेट डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन जो लीक्स मेरे पास यहाँ पे निकल के आ रही है ना, वो यही है कि शायद से अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में और नवंबर के पहले हफ्ते में गेम के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अब लास्ट का सवाल जो मुझे सारे बंदे पूछ रहे कि फ्री फायर इंडिया आने से क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्री फायर इंडिया जब आएगा ना, वो बाकी सर्वर से एकदम अलग होगा, तो उसका कंट्रोल इंडिया में ही होगा। मतलब अगर हमें कोई चेंज गेम में करानी होगी ना, हमको डायरेक्टली फ्री फायर इंडिया को बोलना है और वो लोग चेंज करेंगे। इसमें कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर नहीं होगा, सारा कंट्रोल गेम का इंडिया में ही होगा। तो इससे गेम और ज्यादा बेटर होगा, ये चीज आप सोचो। जब कंट्रोल इंडिया में ही होगा, सारी चीजें हम लोग बता। तो गाइस आप लोग वीडियो यहाँ तक देख लिया हो, और भाई आप लोग का बेंजत भाई का इस वीडियो को अच्छा लग रहा, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा बेंजत भाई का, तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है ना, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि भाई का जाके चैनल को आप लोग चेकआउट करना। भाई ये तो इतने बड़े हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता कि इनके चैनल को जाके आप सब्सक्राइब करो, लेकिन हाँ आप लोग कर लो जाके, क्योंकि भाई का भाई बहुत ही अच्छे इंसान है। भाई वेंजेत गेमिंग बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं इनको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, जब से मैं गेम खेल रहा हूँ ना तब से फॉलो कर रहा हूँ इनको। तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। और भाई मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई हमारा भी चैनल अभी डाउन ही है, क्योंकि मेरा अभी न्यू चैनल है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर जिसको भी अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल ही दिया है, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। चलो।